नमस्कार, मैं हूं विकल्प उदेशिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। जी हां, जिस तरह से लखीमपुर में टेरर फंडिंग का मामला सामने आया है, उसी के चलते कल परतापुर रोड नंबर 1 में देर शाम एटीएस द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम शहबाजुद्दीन है। एक व्यक्ति जो कि संदिग्ध गतिविधियों में टेरर फंडिंग मामले में जिसका नाम है, वह अभी फरार चल रहा है। बरेली से सोनू, जो कि प्रतापपुर रोड नंबर 1 का निवासी है, उसके द्वारा लखीमपुर में गिरफ्तारी की गई। हालांकि जब न्यूज़ की टीम का जायज़ा लिया गया प्रतापपुर रोड नंबर 1 में जाकर, तो उसके पिता द्वारा पता लगा कि सोनू बरेली प्रतापपुर रोड नंबर 1 का निवासी है और बरेली में पिछले 22 सालों से उसका परिवार रह रहा था। उसके सोनू के पिताजी रिक्शा चलाते हैं और कब से वह काम कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी कोई नहीं दी गई। हालांकि सोनू के दामाद के भाई का भी नाम इस गिरफ्तारी में लिया गया है। अब देखना ये होगा कि सूत्रों के माने जिस तरह से एटीएस की छापेमारी चल रही है और 12 से 15 लाख रुपए टेरर फंडिंग लाकर हिंदुस्तान में जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश चल रही है, वो कितनी हद तक खतरनाक साजिश को अंजाम दे रहे हैं, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन एटीएस द्वारा देर शाम छापेमारी कर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। देखते रहें मेरा शहर मेरी खबर, न्यूज़ विकल्प उदेशिया, बरेली। ये देखो सब खड़े हैं मोहल्ले के, इनसे पूछ लो क्या सच्चाई है और क्या हम झूठ बोले हैं इसमें। चलिए सभी, मैं आपको डिटेल भेजा। हम कहा पूरे काट रहे।